गया इसलिए दोस्तों कि यहीं से ये मेरठ मेट्रो भी स्टार्ट हो गई दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, इसका कौन खोल लेवल भी बन के कम्प्लीट हो गया है, सेकंड फ्लोर भी बन के कम्प्लीट सही हो चुका है। अब इसका प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देखो किस तरीके से ये फ्लोर वर्क का काम कर लिया जा चुका है, जो मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था और दिखाया भी था, उसके कंपेयर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम देखने के लिए मिलेगा आप सभी को मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो कौन कौन लेवल पर, देखो ये दीवारें बन गई हैं इस साइड में, ऊपर भी देखो काम किया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देखते हो सेक्टरिंग लगी हुई है और ऊपर प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर देखो काम किया जा रहा है, और अभी जो रूफटॉप का स्ट्रक्चर है वो भी लगाया जा रहा है उस साइड में। तो चलेंगे उस साइड में, आप लोगों को दिखाएंगे चल के दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये मेरठ साउथ का स्टेशन बनाया जा रहा है। यहाँ से एक तो इस पर रैपिड एक्सप्रेस दौड़ेगी दोस्तों, और दूसरी इस पर मेरठ मेट्रो भी दौड़ा करेगी, तो इसी वजह से यहाँ पर ये स्टेशन काफ़ी लंबा चौड़ा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और आप लोग बताओ, तो चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। देख सकते हैं आप लोग, यहीं रोकना है, यहीं पे दोस्तों ये बनाया जा रहा है। देख सकते हो मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन, जिस पे अभी देखो जो प्लेटफॉर्म का जो रूफटॉप का काम है करने का है, देखो उस पर वो स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, रूफटॉप का स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पर ये तीन फ्लोर होने वाले हैं, कॉन्कोर्स लेवल, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर दोस्तों। देखो ये दोनों फ्लोर बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म लेवल आप बनाया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये बनाया गया है, ये देखो सारे में ही आप लोगों को सेटरिंग देखने के लिए मिलेगा। जब मैंने पिछली बार वीडियो आप लोगों को दिखाया था, तब ये देखो ये वाला बीम डाला जा रहा था, ये वाला जिस पर सरियाओं का जाल बनाया जा रहा था, और अब बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो दोनों साइडों में, और इस पर डेंट पेंटिंग का भी काम किया जा रहा है। और देखो इसके एक्सीलेटर देखो ये रखे हुए हैं, ये एक्सीलेटर अभी लगाए जाएंगे जो कि नहीं लगाए गए दोस्तों। और ये देखो जो रूफटॉप का स्ट्रक्चर है, देखो ये रखे हुए हैं, और इधर भी देखो ये रखे हुए हैं दोस्तों। यही है फर्क जो चल रहा है, किया जा रहा है। देखो आप लोग कितना लंबा चौड़ा यहाँ पर स्टेशन बनाया जा रहा है। और दूसरा आप लोगों को जो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम है, देखो यहाँ पर किया जा रहा है। देखो ये मिट्टी की खुदाई चल रही है, सारे जो रूफटॉप का स्ट्रक्चर है दोस्तों, देखो सारे में ही ये रखा हुआ, यहीं पर बनाया जाएगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोस्तों, जिसकी खुदाई का काम हो चुका है। देखो आप लोग देखो ये फाउंडेशन बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों, कुछ तो कर लिया जा चुका है, कुछ किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन, जिसकी खुदाई का काम किया जा रहा है, इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, और फाउंडेशन बना के फिर इसमें पिलर भी ऊपर खड़े किए जाएंगे दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है मेरठ साउथ के स्टेशन पर। और देखो एक्सीलेटर ये सारे में रखे हुए हैं, जो कि अभी इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, अब इंस्टॉल किए जाएंगे दोस्तों। लेकिन उस पर पहले रूफटॉप का जो स्ट्रक्चर है वो लगाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो वहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इस तरीके से ऐसा ये बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, तो यही है मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन। और आप लोग बताओ कि आप सभी का ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल पर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है, वह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, और दिखाते हैं चल के आगे चल के क्या मेरठ एक्सप्रेसवे को किस तरीके से ये RRTS क्रॉस कर रही है दोस्तों, उस उधर का भी आप लोग नज़ारा देख लो चल के। चलते हैं दिखाते हैं चल के, दिक्कत कर रही है भैया। देखो सारे में ही ये एक्सीलेटर रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये वर्क किया जा रहा है। ये देखो हैवी क्रेन मशीन से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर टीम लगी हुई है दोस्तों, काम कर रही है। देखो ये सनरूफ का स्ट्रक्चर का ही काम किया जा रहा है, देखो आप लोग तस्वीरें।
और इधर ये फ्लोर वर्क किया जा रहा है, ये यहाँ पे ये मेरठ मेट्रो स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ पे आप सभी को मेरठ मेट्रो देखने के लिए मिलेगी, यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों, जिसपे अभी फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, फ्लोर वर्क देखो आप लोग सेटरिंग देखने के लिए मिलेगी आप सभी को। देखो की जा रही है ना, देख सकते हो फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है। देखो इधर इधर भी देखो लॉन्चर को आप लोग को आके देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरठ एक्सप्रेस वे को क्रॉस कर चुका है दोस्तों। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को क्रॉस करने के बाद में देखो ये डिवाइडर भी बनाया जा रहा है दोस्तों इधर की साइड में, और यहाँ पर देखो ये गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद इसमें फ्लोर वर्क का काम किया जाना है अभी इस टाइम पर। ये देखो लॉन्चर वो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, डायरी मेरठ एक्सप्रेस वे को या RRTS क्रॉस कर रही है दोस्तों, जो कि मैंने पहले ही वीडियो आप लोगों को दिखाया था। और लॉन्चर देखते हैं चल क्या कह सकते हो, ये है दोहाई RRTS का स्टेशन, जिस पर अभी साइडों का जो इस साइड का दोस्तों आपको बता दो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा था, जो कि अब बना के कम्प्लीट कर लिया जा चुका है। तस्वीरें देख सकते हो, ये देखो किस तरीके से ये बनाया गया है, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। देखो ये जब मैं पिछली बार आया था तब ये बनके कंप्लीट नहीं हुआ था दोस्तों, और अब आप देख सकते हो कि इधर भी देखो ये डिवाइडर बना दिए हैं, इधर इन्होंने ये ब्लैक टॉप भी कर दिया है, और उस साइड का तो पहले ही बनके कंप्लीट हो चुका था दोस्तों, लेकिन इस साइड का बचा हुआ था तो ये भी कंप्लीट हो गया। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से बनाया गया है, देखो इसके अंदर ले कर चलता हूँ फिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कैसे बनाया है यहाँ का RRTS का एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोस्तों। ये देखो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ से ये फुट ओवर ब्रिज है दोस्तों, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, उधर से भी कर रहा है, देखो ये कर दिया इसने, और इधर से भी देखो ये कर रहा है कनेक्ट, इस तरीके से ये कनेक्टिविटी दी जा रही है। चलते हैं उस साइड में, देखो किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है, आप लोग तस्वीरें देख सकते, जिस पर अभी फाइनल होना बाकी रह गया है। देखो इधर ये सेटिंग लगी हुई है, इस पर भी अभी डेंट पेंट का काम किया जाना है दोस्तों, कुछ ऐसा है ये दोहाई RRTS का स्टेशन दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, और ये जा रहा है गाज़ियाबाद के लिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि कब ये इस पर रैपिड रेल चलाई जाएगी। यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, ये देख सकते हो, ठीक है, तो अभी इस पर ये जाली पाली लगा के और फिर इस पर ये पेंट का काम किया जा रहा है, तो ये वर्क चल रहा है यहाँ पर। ये देखो जो बन के बने तो आप लोगों को दिखाएँगे चल के दोस्तों, देखो कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है, देखो RRTS का स्टेशन। चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को, देखो वो उधर भी बचा हुआ है अभी बनने के लिए, तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के इसका। देखो ये ब्लैक टॉप भी कर दिया जो पहले नहीं था, ऊपर खाबड़ हुआ करता था दोस्तों, कुछ ऐसा बनाया गया स्टेशन, ये दोहाई RRTS का स्टेशन है दोस्तों, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट ये बनाया जा रहा है, जिसमें ये डिवाइडर का काम किया जा रहा है, ये देखो ये डिवाइडर लगाया जा रहा है, उधर की साइड में भी अभी रोड को कंप्लीट किया जाएगा, उधर भी ब्लैक टॉप किया जाएगा इसके अंदर। ये देखो यहाँ पर भी ये बन के कम्प्लीट हो गया, ये देखो ये भी देख लो आप लोग, एंट्री एग्जिट पॉइंट कुछ ऐसा बनाया गया है, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोस्तों। देखो इधर भी अभी काम बचा हुआ है करने के लिए, इधर का तो ये बन गया, ये लिफ्ट का भी काम हो गया, इधर पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन ये तो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ये देखो यही है RRTS रैपिड रेल दोस्तों, देखो दोहाई RRTS स्टेशन किस तरीके से बनाया गया है, आप लोग देखो तस्वीरें, उधर का तो पहले ही बन गया कंप्लीट हो गया था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को, आगे भी किया जा रहा है देखो आप लोग। और चलेंगे हम सीधे मुरादनगर के लिए, और वहाँ से फिर मोदी नगर, मोदी नगर से फिर मेरठ साउथ, तो यही है आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ तक आज की डेट आज इस वीडियो में कवर कर सकता हूँ करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सारे में ही देखो ब्लैक टॉप का काम हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट, पर इस पर अब RRTS चलाई जाती है दोस्तों, और चलती भी है डेली, तो
तो देखो बारिश की वजह से कैसा ये रोड टूट गई है, देख सकते हो ना। अभी इन्होंने ब्लैक टॉप किया था लेकिन सारा टूट गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भारी भारी वाहन गुजरते हैं और ये बरसात में तो वैसे भी रोड टूट जाती है। अब यहाँ से दो लाइन हो जाती हैं दोस्तों, टाइप का होने वाला है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, कुछ ऐसा है ये मुरादनगर RRTS का स्टेशन जो बनाया जा रहा है। और कॉन्कोर्स लेवल तो पहले ही बन के कम्प्लीट हो गया था, और उसके उस साइड में देखो वो बनाया जा रहा है क्या, एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखो, वो आधा बन के कम्प्लीट हो गया है, अभी आधा बचा हुआ है। दोस्तों कल रात बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तस्वीरें देख सकते हो, सारे में ही पानी पानी भरा पड़ा है। और देखो एक इधर ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट, जिसका मैंने पिछली बार में जब आप लोगों को मैंने दिखाया था तब देखो ये इसके ये पिलर को खड़ा किया जा रहा था, आधे पिलर बन गए थे आधे नहीं बने थे। देखो अब सेटिंग लगा रहे हैं, अब इसको एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में जोड़ा जाएगा इस स्टेशन से दोस्तों। और उधर देखो वो मेन पार्ट होने वाला है, तो ये नज़ारा है यहाँ का मुरादनगर RRTS स्टेशन का दोस्तों। और दूसरी साइड में आधा बन के कम्प्लीट हो चुका है वो देखो दोस्तों, हर जगह पानी भरा हुआ है, देख सकते इधर भी पानी भरा हुआ है। तो आप लोग यहीं से देख लो, देखो ये बनाया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट, देखो कितना ऊंचा है, जिस पर सेटरिंग लगाई जा रही है दोस्तों, जो अलग तरीके से बनाया जा रहा है। ये देखो अभी दोनों साइड का जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसका अभी पता नहीं चला है कि कहाँ पर बनाया जाएगा, किस जगह बनाया जाएगा, तो अभी वो कोई काम नहीं हुआ है। और देखो आपको बता दूँगा दोस्तों, इस पर पेंट का काम भी हो गया है, जो इसका कॉन्कोर्स लेवल है वो बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है, इस पर काम भी हो गया। देखो यहाँ पर बनाया जाएगा एंट्री एग्जिट पॉइंट, ये देखो ये साफ करने का काम किया जा रहा है। और एक उसके अंदर बनाया जाएगा, वहाँ पर वो दीवार भी तोड़ दी जा चुकी है दोस्तों। देखो जो रूफ टॉप का साइड का स्ट्रक्चर है देखो ये पड़ा हुआ है, यही उठा उठा के लो आप लोग, मोदी नगर नॉर्थ RRTS स्टेशन, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। और यहाँ पर भी ये पेंट करने का काम स्टार्ट हो चुका है, देखो आप लोग तस्वीरें, ये मशीनें लगी हुई हैं। और इधर की साइड में ये बनाया जाएगा है एंट्री एग्जिट पॉइंट दोस्तों, इस जगह पर देखो यहाँ पर ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट, देखो ये लोहे के पिलर भी लगे हुए हैं जिन पे अब निकालने का काम किया जा रहा है इनको। अभी इस पे मोदी नगर नॉर्थ के RRTS के स्टेशन पर ज़्यादा कुछ काम देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत कम ही काम चल रहा है। देखो
दोस्तों ये आ चुके हैं मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर, तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर। ये आप लोगों को चार लाइन देखने के लिए मिलेंगी। देखो दोस्तों ये है मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन, जिस पर पैरा फिटबॉल बनाने का काम किया जा रहा है। ये साइडों में पैरा फिटबॉल बनाए जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। यहाँ पर काम चल रहा है तेज़ी के साथ में, और दो ट्रैक उस साइड में बिछाए गए हैं। ये एक ही सिंगल ही है, शायद सिंगल ट्रैक उधर है और दो ट्रैक इधर हैं दोस्तों। अब ये इतना लंबा चौड़ा ये स्टेशन पता क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया है इसलिए दोस्तों कि यहीं से ये मेरठ मेट्रो भी स्टार्ट होगी दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, इसका कौन खोल लेवल भी बन के कम्प्लीट हो गया है, सेकंड फ्लोर भी बन के कम्प्लीट सही हो चुका है। अब इसका प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देखो किस तरीके से ये फ्लोर वर्क का काम कर लिया जा चुका है, जो मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था और दिखाया भी था। उसके कंपेयर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम देखने के लिए मिलेगा आप सभी को मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो कौन कौन लेवल पर। देखो ये दीवारें बन गई हैं इस साइड में, ऊपर भी देखो काम किया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देखते हो सेक्टरिंग लगी हुई है, और ऊपर प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर देखो काम किया जा रहा है। और अभी जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर है वो भी लगाया जा रहा है उस साइड में। तो चलेंगे उस साइड में, आप लोगों को दिखाएंगे चल के दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये मेरठ साउथ का स्टेशन बनाया जा रहा है। यहाँ से एक तो इस पर रैपिड एक्स दौड़ेगी दोस्तों, और दूसरी इस पर मेरठ मेट्रो भी दौड़ा करेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये स्टेशन काफ़ी लंबा चौड़ा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और आप लोग बताओ, तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। देख सकते हैं आप लोग, यहीं रोकना, यहीं पे दोस्तों ये बनाया जा रहा है। देख सकते हो मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन, जिस पे अभी देखो जो प्लेटफॉर्म का जो रूफ टॉप का काम है करने का है, देखो उस पर वो स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है। रूफ टॉप का स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पर, ये तीन फ्लोर होने वाले हैं, कॉन्कोर्स लेवल, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर दोस्तों। देखो ये दोनों फ्लोर बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म लेवल आप बनाया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये बनाया गया है। ये देखो सारे में ही आप लोगों को सेटरिंग देखने के लिए मिलेगा। जब मैंने पिछली बार वीडियो आप लोगों को दिखाया था, तब ये देखो ये वाला बीम डाला जा रहा था, ये वाला जिस पर सरियाओं का जाल बनाया जा रहा था, और आप बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो दोनों साइडों में ही, और इस पर डेंट पेंटिंग का भी काम किया जा रहा है। और देखो इसके एक्सीलेटर देखो ये रखे हुए हैं, ये एक्सीलेटर अभी लगाए जाएंगे जो कि नहीं लगाए गए दोस्तों। और ये देखो जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर है, देखो ये रखे हुए हैं, और इधर भी देखो ये रखे हुए हैं दोस्तों। यही है फर्क जो चल रहा है, किया जा रहा है। देखो आप लोग कितना लंबा चौड़ा यहाँ पर स्टेशन बनाया जा रहा है। और दूसरा आप लोगों को जो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम है, देखो यहाँ पर किया जा रहा है। देखो ये मिट्टी की खुदाई चल रही है, सारे जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर है दोस्तों, देखो सारे में ही ये रखा हुआ, यहीं पर बनाया जाएगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोस्तों, जिसकी खुदाई का काम हो चुका है। देखो आप लोग, देखो ये फाउंडेशन बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। कुछ तो कर लिया जा चुका है, कुछ किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन, जिसकी खुदाई का काम किया जा रहा है। इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, और फाउंडेशन बना के फिर इसमें पिलर भी ऊपर खड़े किए जाएंगे दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है मेरठ साउथ के स्टेशन पर। और देखो एक्सीलेटर ये सारे में रखे हुए हैं, जो कि अभी इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, अब इंस्टॉल किए जाएंगे दोस्तों। लेकिन उस पर पहले रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो लगाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो वहाँ से स्टार्ट हुआ है। और इस तरीके से ऐसा ये बढ़ता चला जाएगा दोस्तों।
ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। तो यही है मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन। और आप लोग बताओ कि आप सभी का ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल पर जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, और दिखाते हैं चल के आगे चल के क्या मेरठ एक्सप्रेसवे को किस तरीके से ये RRTS क्रॉस कर रही है दोस्तों। उस उधर का भी आप लोग नज़ारा देख लो चल के, चलते हैं दिखाते हैं चल के। दिक्कत कर रही है भैया, देखो सारे में ही ये एक्सीलेटर रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये वर्क किया जा रहा है। ये देखो हैवी क्रेन मशीन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर टीम लगी हुई है दोस्तों, काम कर रही है। देखो ये सनरूफ का स्ट्रक्चर का ही काम किया जा रहा है। देखो आप लोग तस्वीरें, और इधर ये फ्लोर वर्क किया जा रहा है। ये यहाँ पर ये मेरठ मेट्रो स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ से आप सभी को मेरठ मेट्रो देखने के लिए मिलेगी, यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों, जिसमें अभी फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, फ्लोर वर्क। देखो आप लोग सेटरिंग देखने के लिए मिलेगी आप सभी को, देखो की जा रही है ना, देख सकते हैं फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है। देखो इधर भी देखो लॉन्चर को आप लोग को आके देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर चुका है दोस्तों। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद में देखो ये डिवाइडर भी बनाया जा रहा है दोस्तों इधर की साइड में, और यहाँ पर देखो ये गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में फ्लोर वर्क का काम किया जाना है अभी इस टाइम पर। ये देखो लॉन्चर वो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। डायरी मेरठ एक्सप्रेसवे को या RRTS क्रॉस कर रही है दोस्तों, जो कि मैंने पहले ही वीडियो आप लोगों को दिखाया था। और लॉन्चर देखते हैं चल के, देखो ये रखे हुए हैं ना गाटर, ये गाटर पल्ली साइड में डाले जाएंगे, उस साइड में डाले जाएंगे गाटर। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दोस्तों, जैसे RRTS क्रॉस कर रही है। ये देखो ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दोस्तों, जिसको ये RRTS क्रॉस कर रही है, और यहाँ पर पहले ही इसको फ्लोर वर्क भी कर लिया जा चुका है। और देखो लॉन्चर ये यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा भारी भरकम, और दूसरा लॉन्चर देखो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, ऐसे घूम जाता है। और देखो ये RRTS गुजरेगी, और यहीं से देखो ये इस बायोडक्ट को क्रॉस कर रहे हैं, पर आगे वो जो आप लोगों ने देखे थे वो वहाँ पर डाले जाएंगे आगे। तो चलते हैं दिखाते हैं चल को। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताओ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो एंजॉय कीजिए।